आईफी शुरू। शाहरुख खान ने किया उद्घाटन। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने गोवा में आज 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का उद्घाटन करते हुए वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश दिया और कहा कि भारत कहानियों, संस्कृतियों, पौराणिक कथाओं, किंवदंतियों का देश है और ये चीजें लोगों को उम्मीद और प्रेरणा देती हैं। भारतीय पैनोरामा खंड में इस दुर्गा और न्यूट जैसी दो फिल्मों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हटाए जाने के फैसले को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच शाहरुख खान ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त भारतीय संगीतकार A.R. रहमान, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पालयकर ने संयुक्त रूप से एक रंगारंग समारोह में फिल्मोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान अभिनेता शाहिद कपूर, अभिनेत्री श्रीदेवी, संगीतकार विशाल भारद्वाज, ईरानी फिल्मकार माजिद मजिदी जैसे कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बम्बोलिम स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा, संस्कृत में एक शब्द है वसुधैव कुटुम्बकम। इसका मतलब होता है कि दुनिया एक परिवार की तरह है। मेरा मानना है कि चाहे आपकी भाषा, आपका देश, आपकी विचारधारा कुछ भी हो, कहानी कहना और सुनना एक ऐसी चीज है जिसका हम हमेशा से अनुभव करते आ रहे हैं। इस दौरान स्मृति ने अपने संबोधन में कहा, महोत्सव फिल्मों के जश्न का मौका है और मैं आज यहां मौजूद गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा, मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर, फिल्म जगत के महानुभावों और दुनिया भर से आए हमारे मेहमानों का भारत सरकार की ओर से 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में स्वागत करती हूँ। महोत्सव यहाँ 28 नवम्बर तक चलेगा। गोवा में आज 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का एक रंगारंग समारोह में पद्मावती फिल्म से जुड़ा विवाद छाया रहा। समारोह से इतर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा, ज्यादातर फिल्मों के प्रमाणन की प्रक्रिया में 68 दिन का समय लग सकता है। ज्यादातर फिल्मों का प्रमाणन इससे पहले हो जाता है। अगर कुछ लोग यह वक्त नहीं लेना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। मैं संजय लीला भंसाली का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं फिल्म बिरादरी से हूँ, उन्हें समझता हूँ। यह मुद्दा भंसाली से जुड़ा नहीं है, यह फिल्म के ऊपर विवाद से संबंधित है, उन्होंने कहा। विवादों का नहीं, विचार विमर्श का वक्त है और उसके लिए संयम की जरूरत है।